चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब हुआ एट रेस्ट, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस कौन कौन सी एप्लीकेशन है हमारे पास, जो हम फोटोकॉपी मशीन यूज करते हैं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, कंडेंसर, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, चाहे वो हमारे पंखे की मोटर हो, चाहे वो हमारे टुल्लू पंप की मोटर हो, वो सभी के सभी जो है एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडेंसर और इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बोलते हैं इसको हम, राइट। वेंडीग्राफ जनरेटर, तो इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है, फोटोकॉपियर, फोटोकॉपियर मशीन और कैपेसिटर, वेंडीग्राफ जनरेटर, और स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, कैपेसिटर, वेंडीग्राफ जनरेटर एंड स्प्रे पेंटिंग, ये हमारे पास मेन एप्लीकेशंस हैं जो डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूज करते हैं। अब एक बात हमारे दिमाग में आती है कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, और अभी तक हमने कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। एक्चुअल में बेटा जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उन सभी के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मास। तो मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मास के अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बेसिकली इट इज द फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इट इज बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन्स ड्यू टू विच दे इंटरैक्ट with each other produces electric and magnetic effects, right? So electric charge क्या है, basic और fundamental property है elementary particles की, इसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर electric और magnetic effect produce करते हैं, दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस टाइप की प्रॉपर्टी है, किस टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, आपको पता है दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है कूलम, इसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे, और CGS यूनिट होती है इसकी स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम। अब ये रिलेशन कहां से आया, इस बात को हम आगे चल के स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ के अंदर। कूलम्स लॉ को जब हम स्टडी करेंगे तो हम इस बात को साबित कर पाएंगे, इस चीज को हम प्रूव कर पाएंगे कि कैसे 1 कूलम 3×10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है।
राइट, बात समझ आ गई। इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट जो इसकी है चार्ज की, वो होती है फेरेड। फेरेड, और 1 फेरेड जो है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है इसकी? फेरेड होती है, एंड 1 फेरेड इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। ओके, स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर कितना हो सकता है, उसको हम ई से लिखते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। याद रखना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। इससे स्मॉल चार्ज पॉसिबल नहीं होता नेचर के अंदर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ई माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होगा, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस ई, यानी कि प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज होता है 0। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? लेट मी रिवाइज, इट इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ड्यू टू विच दे इंटरेक्ट विद ईच अदर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये किस टाइप की क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होती है, और 1 कूलाम जो है 3×10⁻¹ स्टेट कूलाम के इक्वल होता है। इस बात को हम प्रूव करेंगे कूलाम लॉ को स्टडी करने के बाद। क्लियर? जो प्रैक्टिकल यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो फेरेड होती है, और 1 फेरेड जो है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है वो होता है, उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम के इक्वल। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होगा, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस ई, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। ओके बेटा, ये बात क्लियर होगी? अब सभी एक बार अपना व्यू दें, ये बात आपको क्लियर हुई, ये बात आपको समझ आई? राइट। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है बेटे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ चार्जेस। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये दो टाइप का होता है बेटे। इसका कंसेप्ट दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कंसेप्ट दिया था। वो एक साइंटिस्ट भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी काम किया था। चलो उस बात को हम नहीं करते। तो टाइप ऑफ चार्जेस देर आर टू टाइप्स, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कहलाता है बेटे नेगेटिव चार्ज। ये जस्ट कन्वेंशंस हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये कन्वेंशन है। ठीक, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये होता है, उठता है कि किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस बात का डिसीजन कैसे किया जाता है? सुनिए बात को ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस यहां पे जाने से पहले कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों कोई चार्ज नहीं होता? क्योंकि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए एक एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज ऑन द एटम इज 0। ये 0। तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा? अगर किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज है, और
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे प्रोटॉन से तो हम कहेंगे वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगी? अगर इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, राइट? और कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होगी? अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज, और अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इन केस अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, ठीक है, जैसे कि एटम के अंदर होता है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये बात कौन डिसाइड करता है कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है? ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? अब एक क्वेश्चन अगला ये पैदा होता है कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स तो वहां से निकलेंगे नहीं, तो मूवमेंट किसकी होगी? जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाएगा किसी भी तरीके से, तो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी चार्ज। याद रखना की वर्ड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी चार्ज। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी बॉडी में चले गए, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी के अंदर चले गए, तो ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के जब बी के अंदर गए, तो ए के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव चार्ज। याद रखें, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी किसी भी तरीके से, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन विच गेन इलेक्ट्रॉन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बात? तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? तो ये बात हमें समझ आ गई कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के चार्ज होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कंसेप्ट दिया था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। ठीक? कोई बॉडी चार्ज कब होती है? चार्ज बॉडी होती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, उसके तरीके की हम आगे बात करेंगे। तो बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। राइट? तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। राइट? नेक्स्ट, कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट नो सर। बच्चों, कोई डाउट है? यस चलो आगे, सर। यस बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, यस अब आप लोगों ने एक बात सुनी हुई है कि लाइक चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ चार्जेस ये क्या कहता है कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है,
तो लॉ ऑफ चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ चार्जेस। क्लियर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के हमारे पास तीन मेथड है, थ्री मेथड्स, वन बाय वन करके इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बाय फ्रिक्शन और रबिंग, बाय फ्रिक्शन और रबिंग। ये बड़ी कॉमन सी एक्टिविटी है, कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है जो आपने बचपन में की होगी कि जैसे मान लो आपके पास एक कंघी है, कॉम्ब है प्लास्टिक की, उस कॉम्ब को आप अपने सूखे बालों के अंदर अगर रगड़े तो आप क्या देखते हैं, और उसको फिर डस्ट के पास लेके जाए तो कॉम्ब क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब ऐसा क्या हुआ कि उस कंघी ने उन डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, एक्चुअल में हुआ क्या है कि जब आपने कंघी को अपने सूखे बालों के अंदर बार बार से उसको कॉम किया तो सूखे बालों से कॉम करने के कारण फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन के कारण कंघी के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, उसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, पहले इस बात को जरा समझ लीजिए, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड with each other, when two bodies are rubbed with each other, transfer of electrons takes place from one body to another body. Transfer of electron takes place from one body to another body beta, wait karenge ek minute. Yes beta, yes. To hum baat kar rahe hain charging by friction or rubbing, when two bodies are rubbed with each other, transfer of electron takes place from one body to another body. Body which lose electron acquire positive charge, and another body which gain electrons acquire नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज द मेथड बाय चार्जिंग। सो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड, ग्लास रोड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक। ग्लास रोड को जब आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हुए। क्योंकि ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसलिए ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। उतना ही सेम, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ग्लास रोड के ऊपर, ग्लास रोड के ऊपर मान लीजिए
प्लस 3.2 × −19 कूलम चार्ज अगर ग्लास रोड के ऊपर आया तो इतना ही चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर का किसके ऊपर आएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर आएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। इफ अ बॉडी ए इज रब्ड विद बॉडी बी, चार्ज ऑन द बॉडी ए इज 3.2 × −19 कूलम, व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी बी, दैट इज आल्सो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन होगा, −3.2 × −19 कूलम। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर हम एक एबोनाइट रोड को रब करें, एबोनाइट रोड को रब करें वूल के साथ, एबोनाइट रोड को रब करें वूल के साथ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू एबोनाइट रोड, वूल से एबोनाइट रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्योंकि वूल ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो वूल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रोड के ऊपर उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो दिस इज द वे ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर से एक बार, बाय मेथड ऑफ चार्जिंग देयर आर थ्री मेथड्स, बाय फ्रिक्शन और रबिंग। इसमें क्या करते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो बॉडी दैट लूज इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड द अनदर बॉडी दैट गेन इलेक्ट्रॉन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करें, तो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर उतना ही लेकिन नेगेटिव चार्ज आएगा, इक्वल बट अपोजिट साइन का। ऐसे एबोनाइट रोड को हम वूल के साथ रब करें, एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास हमारी डेली लाइफ के अंदर, जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है बेटे कि ग्लास रोड को जब हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो वो इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल के सिल्क क्लॉथ की तरफ क्यों ट्रांसफर हुए, वो सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड की तरफ क्यों नहीं आए, ठीक है, या वूल से एबोनाइट रोड की तरफ क्यों ट्रांसफर हुए, वो एबोनाइट रोड से वूल की तरफ क्यों ट्रांसफर हुए। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें बताते हैं कि किधर से इलेक्ट्रॉन निकल के किसकी तरफ जाएंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है बेटे वर्क फंक्शन। ये आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बताएगा कोई बच्चा? यस एनीबडी, व्हाट इज वर्क फंक्शन बताएगा कोई? चलिए कोई बात नहीं, आवाज आ रही है सबको? सो तो नहीं गए बच्चे? नो सर। ओके 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 नो सर। ओके 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 एंजॉयिंग, ठीक है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन बोलते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। अब होता क्या है, आपके पास मान लो दो बॉडीज है, उन दो बॉडीज को आपने आपस में रब किया। सपोज को मेरे पास एक ये बॉडी है, चलो ये ले लो, और एक ये पेन है मेरे पास, मैं आपस में इनको रब करता हूं, तो आपको पता है रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन से हीट एनर्जी पैदा होगी, और वो हीट एनर्जी जो है उसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिल जाएगी। तो जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन कम है, जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन कम है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो बाहर निकलने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगी, दूसरी बॉडी उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी। तो जैसे हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो ग्लास रोड का वर्क फंक्शन
सिल्क क्लॉथ के वर्क फंक्शन से कम है, इस कारण ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हुए, इससे ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। आई बात समझ में? वर्क फंक्शन सभी सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है, ये उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? इसकी वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्क फंक्शन है जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ ट्रांसफर होंगे। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हमने क्या कहा यहां पे कि ड्यूरिंग चार्जिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मैं कहता हूं कि बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन निकल के गए इधर से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या इन दोनों के मास पे कोई फर्क पड़ने वाला है? इसका आंसर है यस। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसका मास डिक्रीज होगा और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसका मास इंक्रीज होगा। इट्स मास विल डिक्रीज और इसका मास विल इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उनके मास के बराबर। फॉर एग्जांपल मान लो मास ऑफ बॉडी ए इज एम ए, मास ऑफ बॉडी बी इज एम बी और यहां से एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, तो इसका मास कितना बन जाएगा? एम ए माइनस एन टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ए तो इसका मास था पहले, उनमें से एन इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, तो कितना कम हो गया? एन टाइम्स कम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो बॉडी इसका पॉजिटिव चार्ज है उसका मास कम हो जाएगा और बॉडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसका मास उतना ही बढ़ जाएगा, ये एन टाइम्स हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज एंड इट विल डिक्रीज। आई बात समझ में? ये डिक्रीज होगा और ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। गुड गुड। और तो नहीं हुए? नो सर। नो सर। नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा हमारे पास मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टेक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टेक्ट के अंदर हम लोग इसमें एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके आते हैं। यह हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, कंडक्टिंग अनचार्ज बॉडी। इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा इसको हमने, और ये हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। अभी हम इसको चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करें? इसके पास एक दूसरी चार्ज्ड बॉडी लेके आए। जैसे मान लो मैं इसके पास ले आया एबोनाइट रोड। एबोनाइट रोड, आपको पता है कि एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जब उसको हम वूल के साथ रब करते हैं, पता ना इस बात का? तो जब इसको हम टच करवाएंगे, क्योंकि एक कंडक्टिंग बॉडी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, इसका चार्ज इसकी तरफ ट्रांसफर होगा और क्या होगा उससे? इसका चार्ज कम हो जाएगा, इसका चार्ज बढ़ता रहेगा। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि दोनों इससे इसकी तरफ चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। वो
कब बंद होगा? जब दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगी, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी बताता हूं क्या बात होती है, यानी कि जब मैंने इसको इसके साथ टच किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और एबोनाइट रोड को मैं इसे अगर दूर करूं तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इसके पास 10 यूनिट चार्ज इसके पास था, तो उसमें से कुछ चार्ज इसकी तरफ चला जाएगा और बाकी इसके पास बच जाएगा। जरूरी नहीं है कि बराबर जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज इसके ऊपर बराबर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई घड़ा है, ठीक है, इस घड़े में यहां तक वाटर है, ये यहां तक वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है इसके अंदर, और ये दूसरा मेरे पास एक गिलास है या कुछ भी दूसरा घड़ा ले लीजिए आप, जो कि एम्प्टी है, खाली है ये हमारे पास। तो जब मैं इसको इससे टच कनेक्ट करवा दूंगा यहां से, तो इससे वाटर निकल के इसकी तरफ ट्रांसफर होगा, और आपको पता है कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इन दोनों का ये वाला लेवल बराबर नहीं होता। लेवल बराबर होने का मतलब ये नहीं होता कि इनमें बराबर पानी आएगा, बराबर वाटर आएगा, लेकिन वो लेवल बराबर हो जाएगा, लेवल का जो कि पोटेंशियल बराबर हो जाएगी। यहां पे हम लेवल की बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो याद रखें, चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टेक्ट में क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी से टच किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं चार्ज बॉडी से, यानी कि चार्ज ट्रांसफर होता है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ। कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। ठीक है बेटे, अगर मैं यहाँ पे ग्लास रोड लेके आता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, यहाँ पे मैबोनाइट रोड नेगेटिव चार्ज बोर्ड लेके आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? इस बॉडी का कंडक्टिंग होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर अगर ये इंसुलेटिंग बॉडी होती तो क्या होता? इंसुलेटिंग बॉडी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, जैसे आप इसको टच कराओगे चार्ज जहां आपने छोड़ दिया वहीं का वहीं चार्ज रुकेगा, चार्ज आगे ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए इस बॉडी का कंडक्टिंग होना जरूरी है। ठीक है, एक बार अपना माइक ऑन करेंगे सभी। यस सर। हां जी बेटा। यस सर। ये बात समझ आई? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं? यस सर। सभी ऑन कर लें एक बार। यस, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ आज के टॉपिक। ठीक है, आज हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। ठीक है, सो इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन आवर डेली लाइफ। फोटोकॉपियर मशीन है, कैपेसिटर है, वेंडीग्राफ जनरेटर है, स्प्रे पेंटिंग है, और बहुत सारी एप्लीकेशन हम अपनी डेली लाइफ में इनकी यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ड्यू टू विच दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, ये किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर के स्केलर बोलो, ये किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है इसकी? कूलम। अच्छा, इसकी जो स्मॉल यूनिट भी है, एक तो होती है मिली कूलम और एक होती है माइक्रो कूलम। वन कूलम जो है वो 10^3 मिली कूलम के इक्वल होता है, -3 मिली कूलम के इक्वल होता है, सॉरी 1 माइक्रो कूलम 10^-6 कूलम के इक्वल होगा, और 1 मिली कूलम जो है 10^-3 कूलम के इक्वल होगा। इस बात को याद रखें। इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम। 1 कूलम 3×10^9 स्टैट कूलम के इक्वल होगा। इस बात को हम प्रूव करेंगे आगे चल के। इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो फैराड होती है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। तो हमारे कैपेसिटर होते हैं ना, कंडेंसर होते हैं, उनमें जो वैल्यू होती है वो फैराड में होती है।
स्मॉलेस्ट चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा 1.6 × −19 कूलम, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, याद रखें −1.6 × −19 कूलम होगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई के बराबर, यानी कि 1.6 × −19 कूलम होगा। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज पॉसिबल नहीं होता। टाइप ऑफ चार्जेस, चार्जेस बेसिकली दो टाइप के होंगे। किसने कंसेप्ट दिया था ये? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट। दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन। ओके। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है कि चार्ज होता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होता है? न्यूट्रल क्यों होता है? न्यूट्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, ठीक है। अब कोई बॉडी चार्ज किसके कारण होती है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक अ बॉडी चार्ज्ड, राइट। जैसे मान लो हमने बॉडी ए को बॉडी बी से रब किया, तो ए से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बी की तरफ गए, तो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा, इसका मतलब चार्ज कैसा है उसके ऊपर? पॉजिटिव। और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके ऊपर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ आ गई बात? क्लियर सर। उसके बाद लॉ ऑफ चार्जेस, ये बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लेके आपस में क्या करेंगे? रिपेल। पॉजिटिव को नेगेटिव के नजदीक लेके क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट इट मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट। ओके। मेथड ऑफ चार्जिंग, हमारे पास तीन मेथड है चार्जिंग के। नंबर वन बाय फ्रिक्शन और रबिंग। फ्रिक्शन करने से, रब करने से, जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड अनदर बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। की बात ये, जैसे मान लो ग्लास रोड है, उसको हम सिल्क क्लॉथ से रब करें, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज। ओके। तो ग्लास रोड के ऊपर मान लो 3.2 × −19 कूलम चार्ज आया, तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर उतना ही चार्ज होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार सीबीएसई पेपर में आया हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं ग्लास रोड के ऊपर इतना चार्ज है, बताओ सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितना चार्ज होगा? उल्टा नेगेटिव हो जाएगा बस, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आ गई? दूसरा एग्जाम्पल, एबोनाइट रोड को वूल के साथ रब करें, तो एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लास पे पॉजिटिव क्यों, सिल्क पे नेगेटिव क्यों? यानी कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क की तरफ क्यों गए? वो गए उनकी किस प्रॉपर्टी के कारण? वर्क फंक्शन के कारण। जब दो बॉडीज को रब करेंगे, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? दूसरी बॉडी की तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। गेन करेगी। अच्छा, ड्यूरिंग चार्जिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसका मतलब उसका मास क्या होगा? डिक्रीज। और दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज। कितना डिक्रीज होगा? जितने इलेक्ट्रॉन वहां से निकले हैं, ठीक है, उनके मास के बराबर। और कितना इंक्रीज होगा? जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास जितने आए हैं, उनके मास के सम के बराबर। समझ आ गई बेटे बात? अगला जो मेथड है वो चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टेक्ट है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे, उसके पास एक मान नेगेटिव चार्ज रोड लेके आए, मान लो एबोनाइट रोड लेके आए, तो एबोनाइट रोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टिंग बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल सेम ना आ जाए। सेम ना आ जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होने का मतलब है उनकी उनका लेवल सेम हो जाना, आप ऐसे समझो इस बात को, उनका लेवल सेम हो जाता है। तो एबोनाइट रोड पे चार्ज कम हो गया, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? ज्यादा। ओके, ज्यादा, ठीक है। yes, तो तीसरा मेथड हमारे पास है, उसको डिस्कस हम कल करेंगे, ठीक है बेटा। सर,
सर एक क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ क्वेश्चन बोलो बेटे। सर जो एबोनाइट रोड थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जो एबोनाइट रोड थी हाँ। हाँ सर तो उसने उसके पास जब हम कंडक्टिंग बॉडी लाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है ना। हाँ। तो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन लॉस हुए हैं और वहां से गेन हो रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस और नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहे सर। प्लस प्लस कहां से आएगा? सुनो मेरी बात सुनो, जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी थी, कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर थे। यस ठीक है। अब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके चले गए, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से उसके पास तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना। हां जी सर। तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई नो डाउट। एबोनाइट रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लेकिन वो कौन से इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसने? जो उसके पास पहले से ज्यादा थे। मान लो उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे प्रोटॉन से, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज थी। यस सर। उन 100 में से ही इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर हुए हैं बेटा। हां जी सर समझ। समझ गई बात को? हां जी सर। ठीक है, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है? हां जी सर। और आपसे सेजल ने उधार मांगे 50 रुपए, आपने उसको 50 दे, तो आपके 50 तो बचे ना। यस सर। तो सेम बात यहाँ पे है। ओके बेटा। यस सर। और किसी का कोई डाउट?